कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी हमारे YouTube फैमिली को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, और आज फिर हम एक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा था हमारे पिछले वीडियो में, एकम्स कंपनी को जाने का रास्ता। जी हाँ, कि आप राजा बिस्किट चौक से एकम्स कंपनी तक कैसे जा सकते हैं। तो सफ़र तो हो गया और रास्ता भी मिल गया। आप लोगों ने देखा कि हम कैसे राजा बिस्किट चौक से आपको हमने कैसे पहुंचाया एकम्स कंपनी तक। और एकम्स के तो कई सारे गेट हैं, कई सारी कंपनियां भी हैं, कई सारे प्लांट भी हैं। तो प्योर एंड क्योर कौन सा प्लांट है दोस्तों? प्योर एंड क्योर प्लांट पे हम आए राजा बिस्किट चौक से आपको सफ़र के साथ। ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जॉब के बारे में, जॉब के तरीके, जॉब की क्वालिफिकेशन, और कितनी इसमें वैकेंसी रहती हैं, कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त बहुत दूर से आते हैं और यहाँ पर आते हैं, रिज्यूम लेके लाइन में खड़े रहते हैं, बट भर्ती नहीं हो पाते, तो फिर उनके रेंट का खर्चा, खाने का खर्चा, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। जो बंदा बाहर से आता है यहाँ कमाने के लिए, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, तो अब हम आपको इसकी फैसिलिटी और वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग, जब मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा तो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियली मैं एकम्स के पहले गेट पर खड़ा हुआ हूँ। आपको ये बैनर भी नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, तो एकम्स कंपनी में आपके कमेंट्स के अनुसार आया, मुझे बहुत ही गर्व है अपने ऊपर। आपकी वजह से आज लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि आप आज इसके बारे में बताइए, कल उसके बारे में बताइए, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स के अनुसार। जी हाँ, आप लोग जैसे नए नए कमेंट करोगे, मैं वहाँ वहाँ का व्यू आपको दिखाऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तो अब वीडियो को ना लंबा करते हुए यहाँ की हम जॉब के बारे में बात कर लें थोड़ा। तो जी हाँ दोस्तों, तो जो लोग हमारे डिप्लोमा वाले हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो सबसे पहले हम उनके लिए बताएंगे कि कितनी सैलरी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराती है, क्या क्या फैसिलिटी है। जी हाँ, तो ये वीडियो हमारे भाई बहन, माता बहन सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स लेडीज़ दोनों की वैकेंसी रहती है। तो इस वीडियो को आप लोग प्यार से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और एक वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने कब क्या बता दिया, दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के ग्रेजुएशन वाले भाइयों और बहनों के लिए। जी हाँ, तो जो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि BA, BEd, यानी आप कंपनी रोल पे रहोगे, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है काम के ज़रिए। जी हाँ, क्योंकि कंपनी कोई भी हो यार, पैसा काम का ही देती है। अब सपोज करो, हम गांव से हैं, तो मेरे जैसे गांव में खेत रहते हैं, थोड़े बहुत हैं, तो जब मैं खेत में फसल बोऊंगा, उसकी सेवा करूंगा, खाद पानी दवाई डालूंगा, देख रेख करूंगा, तभी तो वो हमें पैसा देगी। फसल तैयार होगी, उसे काटेंगे, बेचेंगे, तभी तो पैसा मिलेगा हमें। तो ऐसा ही हाल है। तो ग्रेजुएशन वाले भाई लोग ज़रूर सुने इस वीडियो को, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बाद में मत बोलना कि ये वीडियो नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं पूरा एक एक टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आपको क्या करना है, और आप लोग ये मत समझना कि ये तुम क्या बता रहे हो, ये तो सब हमें भी पता है। जी हाँ, हमें पता है कि आपको पता है, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जिनको नहीं पता। तो आपको एक रिज्यूम बनवाना है और वहाँ पर अपना जितना आपने क्वालिफिकेशन है वो डलवानी है, अपना एड्रेस डलवाना है, और जितनी आपने पढ़ाई कर रखी वो डलवाना है। तो सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो आपको आना है, अपना गेट पे खड़े हो जाना, और यहाँ पे जब ठेकेदार आते हैं बाहर, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन वालों को बुलाते हैं। जी हाँ, ये आज के दौर में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह रही है, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बहुत से डिग्री वाले लोगों को हाथ में रिज्यूम लेके दोस्तों देखा है घूमते हुए, पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो बहुत से लोगों को और भाई बहनों को हमने भटकते देखा, हाथ में रिज्यूम लिए हुए, और कर रखा है ग्रेजुएशन, अच्छी सी जॉब नहीं मिल पा रही है। तो भैया, आपके लिए, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको सिडकुल हरिद्वार के अंदर
एकम्स के जितने भी प्लांट हैं, जी हाँ, हरिद्वार के अंदर 5 प्लांट हैं एकम्स के, और सब में सेम सैलरी है क्योंकि एक ही मालिक की ये चारों प्लांट हैं हरिद्वार के अंदर, जी हाँ। तो आपको यहाँ पे सबसे जो अच्छा है वो है प्योर एंड क्योर, तो आपको यहाँ पे आना है। और अपना अगर यहाँ की सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, जानते हो कितनी मिलेगी? ज़्यादा भी नहीं मिलेगी, कम भी नहीं मिलेगी, ये मत सोचना बहुत ज़्यादा मिलने वाली, ऐसा नहीं है, क्योंकि देश में बेरोज़गारी बहुत है, जी हाँ। आज आप अगर इतने में नहीं करोगे तो 4 तैयार करे खड़े हैं आपका, हटने का इंतज़ार करें कि कब आप हटें और कब मैं लगूं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो मैं अपने भाइयों के लिए पहले बात करूँगा, तो उनकी अगर सैलरी की बात की जाए तो 10,500 है 8 घंटे की, जी हाँ। यहाँ पर प्योर एंड क्योर एकम्स के प्लांट में ग्रेजुएशन वाले बंदे की 10,000 रुपए है 8 घंटे 26 दिन, जी हाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत कम है, ऐसे कैसे बजट लगेगा? आपकी सोच बिल्कुल जायज़ है और होना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। तो इसके साथ और भी फैसिलिटी है, यहाँ पे ओवर टाइम भी लगता है, जी हाँ। 8 घंटे कंपनी चलती है ड्यूटी के अनुसार और 4 घंटे चलती है ओटी के अनुसार, ओवर टाइम जिसे हम शॉर्ट में ओटी बोलते हैं। तो ओवर टाइम में ये कंपनी आपको 85 रुपीज़ प्रोवाइड कराएगी, जी हाँ, 85 या 86 रुपए हैं कुछ ऐसे, यानी 85 या 86 रुपए घंटा, सपोज करो मान लो 86 रुपए पर घंटे का आपको ये ओटी मिलेगा यहाँ पे एकम्स में पेरो एंड केयर पे। और अगर यहाँ पे परमानेंट चलती है, आपको ये नहीं कि यार प्रोडक्शन कम है, आज अगर प्रोडक्शन कम है तो आपको 8 घंटे मिली छोड़ दिया, नहीं, इस कंपनी की ये खास बात है। और सबसे ज़्यादा मैन पावर आपको पूरे सिरकुल के अंदर एकम्स के प्लांट में मिलेगी। 86 रुपये आपको घंटा मिलेगा और 4 घंटे यहाँ पे डेली बेसिस पे चलती है, 4 घंटे रोज ओटी मिलेगी आपको, तो 8 और 4 12 घंटे, तो आपको सारा मिला जुला के 13,500 रुपये 30 दिन का प्रोवाइड हो जाएगा, जी हाँ। अगर आप 30 दिन ड्यूटी करते हो तो 14,000 के समथिंग आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और अब यहाँ की अगर खाने की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 17 रुपये में खाना मिलेगा, जी हाँ। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको यहाँ पे खाना भी मिलेगा, जो हमारे भाई सिंगल हैं, बैचलर हैं, खाना नहीं बना पाते, भाई ड्यूटी करेंगे खाना नहीं बना पाएंगे, बहुत सारे काम होते हैं, 12 घंटे की बहुत ड्यूटी होती है भाई, हमने कर रखी है, आज भी कर रहे हैं, तो पता है हमें 12 घंटे की ड्यूटी क्या है। तो जब आप यहाँ पे अगर खाना नहीं बना पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आपको खाना देगी, उसका 17 रुपये कटेगा एक टाइम का, 3 बार खाना मिलता है भाई यहाँ पे, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, 3 बार दिन में खाना मिलता है। सुबह जब आप आओगे तो वहाँ पे आपको नाश्ता मिलेगा, नाश्ता आपको 6 रुपये में मिलेगा और खाना आपको 17 रुपये में मिलेगा। तो आप सोचिए कि हमें नगद देना होगा पैसा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपको एक कार्ड मिलेगा, जैसे कि एक डेबिट या ATM कार्ड या डेबिट कार्ड होता है वैसा कार्ड मिलता है यहाँ पे। तो वो कार्ड आपको यहाँ पे कैंटीन में जाके आपको कार्ड वो दिखा देना है, और जो वहाँ पे वो वर्कर होंगे अपने, जो एम्प्लॉइज़ होंगे, वो उस कार्ड को स्कैन कर लेंगे आपके, लगा देंगे, और आप 17 रुपये में पेट भर के खाना खा सकते हो, जी हाँ, खाना भी बहुत अच्छा है और आप पेट भर के खाना खा सकते हो। सुबह आपने नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाना मिलता है यहाँ पे 12:30 बजे, लड़कियों का खाना होता है, लड़कियाँ भी इसमें बहुत जॉब करती हैं, 12:30 बजे लड़कियों का लंच और 1 बजे लड़कों का लंच होता है, 17 रुपये में खाना मिलता है। और जब आप शाम होती है तो शाम को आपको खाना भी 17 रुपये में मिलेगा, और इसमें खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको वहाँ की कैंटीन के बारे में दिखाता कि खाने में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे 17 रुपये में सुबह खाना, 17 रुपये में शाम को खाना मिलेगा, और 6 रुपये में सुबह नाश्ता मिलेगा, आपका काम हो जाएगा, आप ड्यूटी आपसे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी जितना 17 दूनी 34, 34 और 6 40 रुपये में आप पेट भर के खाना खा सकते हो। 34 रुपये वो कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती दोस्तों, अगर आप ठेली पे या कहीं होटल पे खाओगे तो 60 या 50 रुपये की थाली आती है, हमारे भाई लोगों को पता होगी, और आप एक टाइम में खाओगे 60 रुपये की थाली, जी हाँ। तो 60 रुपये के हिसाब से 6 या 18 आप लोग जोड़ लीजिए एक महीने का कितना बना, तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर अब हम बात करते हैं कि ड्यूटी टाइमिंग क्या है, जी हाँ, ड्यूटी टाइमिंग भी तो पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग सेम रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपकी ड्यूटी यहाँ पे रहेगी 7 बजे से, मॉर्निंग 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, क्योंकि 4 घंटे ओटी चलता है ना, आपको ओटी भी लेना है, तो 12 घंटे ड्यूटी हो जाती है। तो 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी चलती है। जी हाँ, तो सैलरी हमने आपको बता दी, हमारे भाइयों की सैलरी 10,500 रुपये 8 घंटे और 86 रुपये ओवर टाइम मिलेगा, 4 घंटे पर डे चलती है, चाहे इसका प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं, आपको 4 घंटे ओटी मिलनी है तो मिलनी है। और एक इसमें हमारे भाइयों के लिए सबसे बड़ी दुख भरी खबर भी है। जी हाँ, हमारे बहुत से दोस्त लोग हैं जो नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, सेवन करते हैं, तो गुटखा इसमें अलाउ नहीं है। अगर आप गुटखा खाते पाए गए तो पहले नंबर में आपको यहाँ पे वार्निंग मिलेगी। जी हाँ, और अगर दूसरी बार आप गुटखा खाते हुए पकड़े गए तो आपका बैनर बनेगा फ़ोटो के साथ, नाम के साथ, एम्प्लॉय कोड के साथ, जैसा आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जेब कतरों से सावधान रहें। जी हाँ, तो ऐसा ही आपका एक बहुत ही अच्छा बैनर मिलेगा, और वो बैनर वो असेंबली पॉइंट एरिया में लगा दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको हर कोई देखेगा। जी हाँ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा फ़ोटो बना, सुनहरा फ़ोटो बना दिया जाएगा, तो आप जब फ़ोटो वो लगेगा, आप उसमें एक अपराध के जरिए पाए जाओगे, तो अपने अंदर बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी यार। तो आप लोग ऐसा कोई काम मत करिएगा जो आपको शर्मिंदा होना पड़े। हमने आपको यहाँ की फैसिलिटी के बारे में एक चीज़ बता दी है, इस वैकेंसी में क्या है तो सब बताएंगे। तो आपको गुटखा नहीं खाना है, ना ही ले जाना है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। अगर यहाँ पे आप सोते हुए नाइट में पाए गए, रात की ड्यूटी भी लगती है, ऐसा नहीं है आपको डे डे मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे सोते हुए पाए गए तो आपका जिस दिन ड्यूटी चल रही है वो ड्यूटी कटेगी, प्लस 2 दिन की पेनल्टी और लगेगी, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप सोएं ना नाइट में और अपने आराम से ड्यूटी करें। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे भाइयों के लिए, लेडीज़ जेंट्स सभी की वैकेंसी इसमें रहती हैं, और हर कोई इसमें आराम से जॉब पा सकता है। जो यहाँ पे लेडीज़ की वैकेंसी है तो आपको बता दें, लेडीज़ की यहाँ पे सैलरी रहती है 8,500 रुपये 8 घंटे के। तो 8,500 इसलिए हैं क्योंकि जेंट्स के काम में लेडीज़ के काम में फ़र्क होता है, और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठेकेदार की प्रायोरिटी है, वो कैसे क्या कर रहा है। हम जो यहाँ पर है वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमारी जो लेडीज़ के लिए जो वैकेंसी है वो है, जो जॉब करना चाहती हैं, और ओवर टाइम उनका भी सेम है, ये नहीं कि घंटे नहीं, ओवर टाइम उनका भी सेम है, लेकिन लड़कियों का ओवर टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि पूरे शेड्यूल के अंदर एक उत्तराखंड सरकार का नियम है कि आप 6 बजे के बाद लेडीज़ को नहीं रोक सकते, कंपनी में केस हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता, पूरे शेड्यूल में आप देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको, 6 बजे के बाद लेडीज़ कहीं नहीं रोकी जाती। तो लेडीज़ों के लिए तो बहुत ही कम रहता है, तो उनकी ड्यूटी ज़्यादातर रहती है 8 घंटे। तो हमारे भाइयों की सैलरी जो ग्रेजुएट हैं 10,500, और जो बहनें ग्रेजुएट हैं उनकी 8,500, और इसमें काम बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा काम है, और पीएफ भी कटता है आपका, 13% पीएफ कटेगा, पीएफ की तो बात की जाएगी, क्योंकि जो आप सैलरी पाओगे वो तो आपकी खाने खर्चे में निकल जाएगी, फैमिली के खर्चे पूरे करने में, अपने खर्चे पूरे करने में। तो पीएफ जो है वो आपकी पेंशन होती है, उसे आप कोई हमारा भाई या कोई हमारी बहन अगर 5 साल नौकरी कर ले कंपनी में, जी हाँ, और 5 साल में वो अपने पीएफ की तरफ मुड़ के ना देखें निकालने के तौर पे, तो 5 साल में आपका पीएफ इतना हो जाएगा कि आप अपनी छोटी मोटी शादी निपटा सकते हो। जी हाँ, बहुत ही हमारे बहनें भाई गरीब घर से होते हैं, फैमिली तो दिक्कत हो जाती है, तो अगर आपने 5 साल किसी एक ही कंपनी को दे दिए हैं तो आपका पीएफ इतना हो जाएगा कि आप उसमें से अपनी शादी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 13% कंपनी आपको पीएफ दे रही है तो उतना ही सरकार जमा करेगी, तो आपका 26% जमा होगा, महीने का 2600 रुपये पीएफ जमा होगा। तो 2600 को आप डिवाइड कर लीजिए 500 से, 5 साल से, और 1 साल में 365 दिन, सबको पता है, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। अगर मैं इतना ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, हमें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। और पीएफ ईएसआई भी कटता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ईएसआई का है। जी हाँ, ईएसआई एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो कंपनियों ने दे रखी है। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ईएसआई क्या है। तो ईएसआई वो है, आपको कंपनी एक ईएसआई कार्ड अपना देगी,
आपका उसमें एक फ़ोटो लगेगा, आपकी कंपनी के उस पर जो आपका ओनर होगा, जो आपका ठेकेदार होगा, वो अपनी मोहर लगाएगा, उससे आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। ESI में है, ESI के उसमें आप फ्री इलाज करा सकते हैं, चाहे आपका 5 लाख का हो चाहे 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं, और करा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है कंपनी के लिए, कंपनी ने दे रखी हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए, हमारे लिए। तो इसमें PFSI की बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो यार कंपनी में जॉब करेंगे तो बीमारियां कभी भी आ सकती हैं, और बीमारी कभी अमीरी गरीबी भी नहीं देखती कि हमें कहां जाना है। अगर बीमारी आ गई तो इलाज कराना ही कराना है, कैसे भी कराओ। बीमारी को ये मतलब नहीं कि आप गरीब हो या अमीर हो। जी हाँ, तो अभी तक हमने बताया PFSI के बारे में, आपने समझ लिया। ESI के हॉस्पिटल के बारे में हम बाद में बात बताएंगे आपको कि ESI किस किस हॉस्पिटल में चलता है हरिद्वार के अंदर। जी हाँ, नाम हम आपको अभी बता देंगे और फ्रंट आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले टॉप जो हॉस्पिटल है आपका भूमानंद है, फिर मेट्रो है जो हृदय का इलाज करता है। बाकी हॉस्पिटल के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। जो मेट्रो और भूमानंद हॉस्पिटल हैं, ये ESI कार्ड को स्वीकार करते हैं। आप इनमें अपने ESI कार्ड पर करा सकते हो इलाज, जिससे आपके पैसे बच जाएंगे। जी हाँ, इसे आप बात को नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे भाई लोग और हमारी बहने लोगों के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम प्योर एंड क्योर के गेट में ही खड़े हैं, और आपको बोर्ड हमने दिखाया था, ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पीछे। तो आप लोगों ने जाना, और जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात है हम बताना भूल गए, सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, कि आप किस समय में यहाँ पर आएंगे, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े और आपकी आते ही जॉब लग जाए। जी हाँ, जब आपकी आते ही जॉब लग जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप रेंट से रह रहे हो, अगर जॉब नहीं मिले तो खाने की भी दिक्कत होगी और रहने की भी दिक्कत होगी, क्योंकि मकान मालिक ये नहीं देखता आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमें कब आना चाहिए और कब नहीं। तो ये सबके लिए है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर सिडकुल के अंदर बरसात के दिनों में कभी नहीं आना चाहिए, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, मत आओ भाई, कोई नहीं है फ़ायदा यहाँ पे आने का। क्योंकि आपको यहाँ अगर कोई रेफरेंस है, जी हाँ, अगर आपका कोई जानने वाला कंपनी के अंदर काम कर रहा है, फिर तो आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, तो आप बरसात के दिनों में मत आइए, आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। जी हाँ, और आपको आना कब है, जब जॉब लग जाएगी, हमेशा याद रखिएगा, आपको दिवाली के बाद में आ जाना है, दूसरे दिन आपकी कंफर्टेबल जॉब तुरंत ही लग जाएगी। क्योंकि यहाँ लोग, ये जो आपको खाली रास्ता दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ठेकेदार चिल्लाते रहते हैं वैकेंसी वैकेंसी, तो आपको दिवाली के दूसरे दिन ही यहाँ पे आ जाना है, और ऐसे ही आपको होली के दूसरे दिन ही आ जाना है, ऐसे ही आपको रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही आ जाना है, और ऐसे ही जितने पर्व पड़ते हैं आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन यहाँ पे अगर काम करना है, यही कंपनी नहीं, इसका शेड्यूल के अंदर कहीं भी आपको काम करना है, तो आपको त्यौहारों के दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मनमानी जॉब आपको मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आप आराम से तुरंत लग सकते हो। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आप बरसात के दिनों में और जनवरी के महीने में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ सर्दियों में प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो अधिक से अधिक कंपनियाँ तो बंद हो जाती हैं, ब्रेक मिल जाता है। एक महीने में अगर आपकी 15 ड्यूटी हुई तो कोई फ़ायदा नहीं है जॉब करने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारा भाई बहन यहाँ पर आए, कंपलसरी उसको पूरी ड्यूटी मिले, तो उसका कुछ भला हो सकेगा और वो कुछ कर सकेगा, अपना खर्चे पूरे कर सकेगा। तो आप लोग बरसात के दिनों में और सर्दियों के दिनों में मत आइए, आपको जब कभी भी आना है त्यौहार के दूसरे या तीसरे दिन पे आपको यहाँ पे आ जाना है, और आप आराम से यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लंबा है हो गया, और सारी हमारी बातें भी पूरी हो गई, जो आपको जानकारी चाहिए था, तो मेरे समझ से हमने आपको वो जानकारी दे दी है। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है, जी हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सकें, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता हूँ और आप इस प्योर एंड कंपनी के बारे में, रास्ते को जानने के बारे में, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, कि आप राजा बिस्कुट चौक और डेंसो चौक और रोशनाबाद से यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो कंपनी पे। जी हाँ, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी
और जानकारी अच्छी लगी हमारी वीडियो में, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोगों का साथ रहा यहाँ तक, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।